हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे पालक पनीर की सब्जी कैसे बनती है घर में। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि बाजार से 2 किलो पालक ले लेनी है और उसको अच्छी तरह साफ करना है। पत्ते पत्ते अलग निकाल देने हैं, उसके डंठल हैं जो निकाल करके फेंक देने हैं। डंठल में डालने हैं पालक के साफ साफ से पत्ते, उसको अच्छी तरह 4 से 5 बार गर्म पानी से धो लेने हैं। धोना इसीलिए है कि इसमें छिड़काव जो करते हैं, खाद पदार्थ का छिड़काव करते हैं जो हमारी सब्जियों में मिल करके हमको बीमारी ग्रस्त बना देती है। इसको 4 से 5 बार गर्म पानी से धोने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह काट लेना है। काटने के बाद आपने इसको कढ़ाई में, बड़ी सी कढ़ाई में डाल देना है पानी डाल करके, ठीक है। उसके बाद आपने हरी मिर्च, धनिया और डाल देना है और पानी डाल देना है। इतना पानी डाल देना है कि वो उसके अंदर ही छुप जाए पालक के पत्ते हैं जो सभी, और इसको उबलने के लिए खड़ा देना है। खड़ते रहें, उबलते रहेंगे 1.5 से 1.25 घंटे तक, उबल उबल के 1 घंटे तक उबल के उसमें जो है वो मिलने लग जाएगी। आप इसको एक करछी लेकर के घुमा कर देख लीजिए, घुमाते रहिए और देखते रहिए कि वो आपस में मिल गए हैं सारे के सारी पतले, पानी पानी जैसा बन गया है और जो पत्ते थे वो पिघल कर पानी जैसी सब्जी बन गई है। और जब गाढ़ापन उसमें आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है, जो पनीर पनीर ले लीजिए, पनीर के पीसेस काट लीजिए, छोटे छोटे चौरस चौरस से पीस पीस काट लीजिए और वो उसमें नाप डाल दीजिए पालक में। और हरी मिर्च, धनिया, मिर्च मसाला वगैरह स्वाद अनुसार आपने जितना जितना खाना है उस हिसाब से डाल दीजिए।